क्या एक मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता इंसान का, मंदिर बनाने से गुरुद्वारों को बोलेंगे। एक बात बताओ, ऐसे गुरुद्वारे इतने जरूरी थे? एक वो अमृतसर में ही ठीक था, जरूरी था बनाना। अब ऐसे कहने का मतलब क्या कि सोना लगाने से भगवान नहीं रस्ता, क्यों नहीं बनता फिर? वहाँ स्वर्ण मंदिर पे क्यों लगाया? वहाँ क्यों लगाया? वहाँ फिर हमारी भी श्रद्धा यार, हम लोगों में नहीं आते क्या? जर्मनी, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश जिनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, वो इतने डिप्रेशन में है जिसकी कोई हद नहीं है, वहाँ सब कुछ महंगा है, स्थिति बहुत खराब है। इंडिया में डिप्रेशन या रिसेशन की कोई सिचुएशन नहीं है, इकोनॉमी इतनी अच्छी ग्रोथ ले रही है, आज की रेट में वर्ल्ड की सबसे अच्छी रेट से ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की है। माइल मैं बेरोजगार हूँ, जेब में 15,000 का स्मार्टफोन, 1,00,000 का है? मैं बेरोजगार हूँ बाबू जी, बेरोजगार है, कनाडा भेजने के लिए 30,00,000 रुपए है। काम तुम करते नहीं, मैं सोगा काम करने में तुम्हें डर लगता है, दूध चाहिए तुम्हें फ्री में, तो ऐसे थोड़ा ना होता करते सर। पहले भी तो लोग करते, आप क्यों नहीं करते? वो तुम पूछो ना अपने आपको, जनरेशन तुम हो, हम थोड़ा ना है। हमें रोटी कपड़ा मकान सब कुछ मिल रहा है, हम फिर भी बोल रहे हैं कि कुछ नहीं मिल रहा। पाकिस्तान बर्बाद हो गया आटा के लिए लाइन, श्रीलंका बर्बाद हो गया, बांग्लादेश बर्बाद हो गया, पूरे दुनिया में एक खतरनाक स्थिति है। क्या नज़र आता है? ज्ञान वापी की चर्चा है, योगी जी का बयान आता है, उसके बाद से लोग चर्चा शुरू कर देते हैं। सर क्या नाम है, मोदी जी, अब मोदी जी के भी ले लो चाहे चाहे योगी जी के ले लो, तो सर क्या नाम है, दोनों साइड में से दोनों क्या, एक मंदिर बनवाने से कुछ नहीं होता इंसान का। तो सुनो, मतलब देश में, देश के लिए भी कुछ कानून होते हैं, यहाँ देख हमारे देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है, मतलब दिन पे मतलब। मैं अगर ज्ञान व्यापी की बात करूँ, जो बात चल रही थी कि योगी जी कहते हैं उसमें त्रिशूल कहाँ से पाया जा रहा है, उसमें शिवलिंग कहाँ से, अगर वो पहले मस्जिद थी? सर उसके बारे में तो खैर मुझे पता नहीं, वो भैया बताएंगे। आपको क्या लगता है? एक बात बताइए भैया, एक छोटी सी बात है, माइंड मत करना। आपने कहा मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता। सर मंदिर, सुनो 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 मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर सुनो सुनो मेरी बात सुनो, पत्थर में नहीं, ऐसे ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। अब पहले मंदिर कच्चे होते थे, इंसान पक्के होते थे। कौन है, क्या बात कर रहे हो? पक्के हो गए इंसान, कच्चे हो गए, पक्के होते थे उस टाइम पे, मंदिर पक्के होते थे गधे और बहम है उस टाइम पे। मंदिर औरंगजेब ने ये हालात किए हैं। और रही बात, आप ये कह रहे हो मंदिर बनाने से, एक बात बताओ, ऐसे गुरुद्वारे इतने जरूरी थे? एक वो अमृतसर में ही ठीक था, जरूरी था बनाना? बताओ बताओ, जवाब दो मुझे, जरूरी था जगह जगह बनाने? हमारे तो सदियों से बने हुए हैं, आपके तो बाद में बने हैं, ये अमृतसर वाला ही बाद में बना है, हमारे तो सदियों से है। वो तो आप ऐसे कहने का मतलब क्या कि सोना लगाने से भगवान नहीं रस्ता, क्यों नहीं बनता फिर? वहाँ स्वर्ण मंदिर पे क्यों लगाया? वहाँ क्यों लगाया? वहाँ फिर हमारी भी श्रद्धा यार, हम लोगों में नहीं आते क्या? हमारी श्रद्धा नहीं है किसी, ये गलत है, ये गलत है भैया। और रही बात, आप ये कह रहे हो कि भाई देश के लिए भी सोचना, देश के लिए भी, अब मैं बताता हूँ, 9 साल पहले कांग्रेस थी, अगर 9 साल तक आज तक अगर कांग्रेस होती ना, तो लिख के देता हूँ तू यहाँ पे ढंग से नहीं खड़ा हो सकता था, ये हकीकत है। आप खड़े नहीं हो सकते थे, और खासकर अपनी ये पहचान पहन के, सही बात है, ये सच्चाई है, इससे इसको झुठलाया नहीं जा सकता। आज सनातनी का हर बच्चे को मतलब का समझ में आया है, 9 साल पहले सनातन धर्म के बारे में किसी को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता था, हमने टीपू सुल्तान पढ़ा है, आज बच्चे रामायण पढ़ रहे हैं। अजी आपको क्या लगता है कि जब से मोदी जी आए हैं लोग यही कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रहा है, तो क्या आपको लगता है यही बात है क्या? सर जब पहले मनमोहन सिंह भी थे, वो भी तो चला रहे थे, तो उस टाइम पे क्या था, मतलब उस टाइम पे इतनी महंगाई थी, आप भी लोग सभी जानते हो, उस टाइम पे तो कुछ नहीं था इतना, और आज देख लो कोई भी इंसान कोई भी समाज, लोग कहते हैं कि उस टाइम सैलरी भी कम थी, आज सैलरी भी बढ़ रही है महंगाई के साथ। बताओ सैलरी कहाँ ज्यादा है, आपकी कितनी थी कर रहे, हमारी खुद की 10,000 रुपये सैलरी है, कितनी है पहले, पहले पहले भी इतनी थी, मतलब बच्चा था ये मनमोहन के टाइम पे, 10 साल पहले कितना होगा यार, पढ़ता होगा स्कूल में। मैं बताता हूँ 10 साल पहले मेरी सैलरी क्या थी, सिर्फ 12,000 रुपये, आज पता है कितनी ले रहा हूँ मैं, 40,000 रुपये। सर उसके टैक्स भी तो लग रहे तुम्हारे, फिर वही बात, टैक्स तो देने पड़ेगा यार, देश में नहीं रहता, सुविधा अगर लूंगा मैं देश की सरकार की, तो टैक्स देने में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भैया, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं। रही बात, आज के टाइम में काम की कहीं पे भी कमी नहीं है, करने वाले की कमी है। आप बीए कर रहे, ग्रेजुएशन कर गए या एमबीए कर गए, आप अगर एक चाय की ठेला नहीं लगा सकते ना, आप क्या कहोगे, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ आज एमबीए चाय वाला, सुना है तो सर, सुना करोड़ों में है वो, बिजनेस कर रहा है,
उसने ये नहीं देखा छोटा धंधा, उसने अपने दिमाग से उस चाय को ही एक 10 रुपए वाली चाय को 100 रुपए में बेच रहा आज। तो आज हमारा बच्चा मतलब क्या ना, बच्चे बच्चे को जॉब मांगने के लिए जाते हैं, मतलब सरकारी जगह जॉब मांगने जाते हैं, उससे पूछते हैं कि कितना पढ़ा है, कितना पढ़ा है, ठीक है ग्रेजुएट मांगते हैं। अगर बंदा मतलब अगर बंदा पढ़ा नहीं है मतलब उसको जॉब नहीं मिलेगी भाई साहब। एक एक सवाल ये एक सवाल ही भाई साहब, भाई साहब अमन अमन जी आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है जो बात चल रही है पूरे इस मामले को लेकर 2024 को लेकर, महंगाई बेरोजगारी मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे रहने वाले हैं जय श्री राम, इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारा कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। जिस तरीके के हालात पहले थे उससे बहुत अच्छे हालात हैं आज के टाइम पे। हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, अभी ये नहीं है कि ना नौकरी है ना कुछ है, सारा कुछ है, बस लेने वाले होने चाहिए। हर एक चीज़ में फ़ायदा है, महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से सैलरी भी बढ़ी है, सारा कुछ अच्छा चल रहा है, किसी चीज़ में कोई भी कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। बस जिसको कमी है वो खुद अपने आप अपनी कमियां थोड़े से अपनी ज़रूरतें कम करो, कमियां अपने आप दूर लगेगी। लेकिन सरकार का कुछ दायित्व होता है रोज़गार देने का, महंगाई कम करने का, क्या वो कम हो रही है क्या? लोग कहते हैं महंगाई के लिए, जी कह रहे हैं देखिए महंगाई सरकार अपनी कोशिश कर रही है महंगाई कम करने के लिए, लेकिन शुरू से आज तक कम नहीं हुई। हमारे भी बचपन का टाइम था, हमारे भी 14 रुपए लीटर था दूध, आज 52 रुपए लीटर पी रहे हैं, लेकिन उससे उस टाइम पे हम लोग नौकरी नहीं करते थे, हमारी आज नौकरी लगी है। हमारे पिताजी नौकरी करते थे, 4000 रुपये तनख्वाह हुआ करती थी, आज हम नौकरी कर रहे हैं, हमारी तनख्वाह 40000 रुपये है, तो अब हमें वो चीज़ पता नहीं चलती। हम 1 रुपए की उस टाइम पे टॉफ़ी खाते थे, आज हम 10 रुपए की टॉफ़ी खाते हैं, तो वो सब चीज़ें बदल गया है। धीरे धीरे हमारी उम्र भी बढ़ गई तो महंगाई भी बढ़ेगी, समय के साथ महंगाई बढ़ रही है। हाँ ये सच्चाई है। अब ये भाई ये कह रहा है कि 12 रुपए लीटर दूध था, दूध कैसे हमने अपने हाथों से कमी की है, मतलब हैवी बढ़ाया, उसको रेट बढ़ाया, क्यों बढ़ाया? गाँव गायें भैंसों का तो काम करना बंद कर दिया लोगों ने, और जो थोड़े बहुत रख रहे हैं गायें भैंसों को, उनका दूध डेयरियों में जाता है, तो महंगाई कहाँ नहीं जाएगी, दूध कहाँ जाएगा? ये देते हैं 40 रुपए लीटर दूध डेयरियों में, और वहाँ डेयरियों से फिर हमारे पास आएगा, उनको भी तो कमाने के लिए चाहिए, तभी तो 60-70 जा रहा है। काम तुम करते नहीं, महसों का काम करने में तुम्हें डर लगता है, दूध चाहिए तुम्हें फ्री में, तो ऐसे थोड़ा ना होता है। सर पहले भी तो लोग करते, अब क्यों नहीं करते? वो तुम पूछो ना अपने आपको, जनरेशन तुम हो, हम थोड़ा ना है वो काम। आपके पास कितनी गाय भैंस है? सर हमारे पास नहीं, हमारे गाँव में तो है, पहले थी। हाँ पहले थी, हमारे अब क्यों नहीं है? अब सर क्या नाम है, क्या नाम है सर हमारे वो जो पुरख थे पहले, उन्होंने जमीन बेच दी थी। हाँ, उस करके। तो देखिए गाय भैंस पहले आप पालते थे तो दूध आपको सस्ता मिलता था या फ्री में मिलता था, मान लीजिए मेहनत करते थे। आज गाय भैंस नहीं है आपके पास तो दूध महंगा मिल रहा है, तो यही बात ये समझा रहे हैं कि समय के साथ लोगों ने चीजें छोड़ दी है, फिर उम्मीद कर रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी कम हो। तो सर उस टाइम पे हमारे जब हमारे दादा परदादा थे उस टाइम पे तो 2 रुपए लीटर भी आता था। सर मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा नाम पार्थ साहू है, मैं ये कहना चाहूँगा आप इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, जर्मनी अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश जिनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, वो इतने डिप्रेशन में है जिसकी कोई हद नहीं है, वहाँ सब कुछ महंगा है, स्थिति बहुत ख़राब है। इंडिया में डिप्रेशन या रिसेशन की कोई सिचुएशन नहीं है, इकोनॉमी इतनी अच्छी ग्रोथ ले रही है, आज की रेट में वर्ल्ड की सबसे अच्छी रेट से ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की है। अब और क्या काम आप करवाना चाहते हैं गवर्नमेंट से, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल महंगाई बेरोजगारी कम होनी चाहिए, दूध इतना महंगा हो गया। श्रीमान जी बाकी मैं आपको जर्मनी का आप देखिए किस नेट पे सर्च करके देखिए कितना रिसेशन है जर्मनी में। आप कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी कम होना चाहिए, मनुष्य का इच्छाएं अनंत है, रसिया यूक्रेन में जाके पूछिए, बोल रहा है जान बचना चाहिए। हर एक मिनट इसी धरती पे हो रहा है, क्या वो हमारे भाई नहीं है? रशिया यूक्रेन के लोग बोल रहा है जान बचना चाहिए, हमें रोटी कपड़ा मकान सब कुछ मिल रहा है, हम फिर भी बोल रहे हैं कि कुछ नहीं मिल रहा। पाकिस्तान बर्बाद हो गया आटा के लिए लाइन, श्रीलंका बर्बाद हो गया, बांग्लादेश बर्बाद हो गया, पूरे दुनिया में एक खतरनाक स्थिति है, कहीं तालिबान टांग के मार रहा है महिलाओं को, जहां ये स्थिति पूरे दुनिया में है, वो भी हम वसुदेव कुटुंबकम सब मेरे भाई हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, वहीं इसी भारत में शांति है, कोई मिसाइल नहीं गिर रहा है, कोई भूखे नहीं मर रहा आटे के लिए, कोई करेंसी का डिवेल्यूशन नहीं हुआ है। आप जहां खड़े हैं दुनिया में सबसे अधिक शराब वहां पिया जाता है, आप बोल रहे हैं बेरोजगारी है,
बाहर है बाहर। बियर सबसे ज्यादा खोल रहे हो तुम और सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी तुम ही हो, हैं? बेवकूफ बना रहे हो, इसको बेवकूफ बना रहे हो। मोबाइल है, एक एक मोबाइल लेते हैं। मैं बेरोजगार हूँ, जेब में 15,000 का स्मार्टफोन, 1,00,000 का है। मैं बेरोजगार हूँ बाबूजी, बेरोजगार है। कनाडा भेजने के लिए 30,00,000 रुपए है। तो मेरा ये कहने का मतलब है भैया, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम भूखे मर रहे हो। और जो भूखे मरने वाला जो था, जो अनपढ़ व्यक्ति, जो मजदूर था, 800 रुपया दहाड़ी है। आओ ना भाई, जो तुम बेरोजगार हो, नहीं पढ़े लिखे हो, मेरे पास आओ, दहाड़ी पे कल से लगाते हैं, 800 रुपया मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े लिखा बेरोजगार हो तो भी आ जाओ, ट्यूशन दे दूंगा, 20,000 से 2,00,000 रुपये का ट्यूशन कल से चालू कर दूंगा। तुम जिस लोकेलिटी में हो वहीं ट्यूशन दे दूंगा, अगर तुम शिक्षित बेरोजगार हो। कोई बेरोजगार नहीं है, मेहनत करो और झोली भरो। क्या कहेंगे पाजी जो इतनी बात कर रहे हैं, सहमत है क्या इनकी बात से? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं, नहीं सर। हाँ, ये तो सहमत अभी भी नहीं है। देखिए सहमत है, इसमें यही तो लोकतंत्र है, ये मेरे भाई हैं। एक मिनट, ये तो अच्छी बात है, असहमत है, यही तो लोकतंत्र है, ये भी मेरे भाई हैं। एक मिनट, इनको भी बोलने का अधिकार है, मुझे भी बोलने का अधिकार है। हाँ। मैंने अपनी बात रखी, इन्होंने अपनी बात रखी। हाँ। अब जिसको जो मानना है माने, यही तो लोकतंत्र है। क्या कह रहे थे अंकल जी आप? जरा दूर से, एक तो हल्के बोलो, ध्यान रखना मेरी बात तो आप। 47 से लेकर, ध्यान से सुनना, किसी की हिम्मत नहीं बोलने की, 47 से लेकर अब तक, हंसने की बात नहीं है, कोई लोकपाल बिल नहीं लाया। अब ध्यान से सुनना, लोग अच्छा, अब जब आप दुकानदार, फैक्ट्री मैन्युफैक्चर के पास जाओगे, जब वो महीना देता है आगे, तो नेचुरल बात है बेचारा, वो उसका कोस्ट हमारी मटेरियल से निकालेगा। तो लोकपाल तो कोई नहीं लाया, लोकपाल नहीं लाए। लोकपाल आने के बाद हम सीपी में खड़े हैं, चारों तरफ देखो पटरी खुमचे वाले बैठे हैं, दुकानदार विदाउट बिल माल बेच रहे हैं। तो लोकपाल आने के बाद सारी चीज़ें सस्ती होंगी, क्योंकि वो वहाँ से फिर वो अपनी कीमत नहीं डालेगा उसके अंदर, ठीक है। लोकपाल बीजेपी भी नहीं लाया, ध्यान रखना आप। अब दूसरी बात जो है, जो आदमी नौकरी नहीं मिल रही तो हम क्या करें, धरती में पैदा हुआ खुद खाएगा। राम जी राम राम। मेरा नाम है खालिद सरकार। खालिद जी, आपको क्या लगता है कि जो 9 साल का कार्यकाल रहा कैसा रहा? जैसा मोदी जी 9 साल में किया ना, मोदी जी नहीं आता था ना भारत में और भी लंगा होता। मोदी जी जो कर रहे है वो सही कर रहे है, वो सही रास्ता दिखा रहे है सबको, कोई देखता नहीं है, सोचता भी नहीं क्या कर रहा है मोदी। क्या लगता है क्या किया है मोदी जी ने आपके लिए? मोदी जी ने देखो, हमारा भारत में जैसे जितना था कचरा पड़ा था, ये भारत में कचरा, ये अभी मोदी जी आके कचरा सब हटा रहे है। मोदी जी सबको काम भी दिला रहे है, इंदिरा विकास घर भी दे रहे है। किसको नहीं दे रहे पैसा? सबको दे रहे, सबको दे रहे, सबको दे रहे। मोदी जी हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहे? नहीं, वो फालतू बात कर रहा, कौन आदमी करता है? जो बेवड़ा आदमी है ना, वो आदमी बोलता है मुस्लिम को नहीं कुछ नहीं करता है, हिंदू के लिए नहीं कुछ नहीं करता है। अच्छा। सबके लिए ही करता है। अच्छा, किंतु हम लोग लफड़ा लगाता है, आम आदमी लफड़ा लगाता है और मंत्री को गाली देता है। तो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। रोजगार बेरोजगारी इस पर बात हो रही है ही नहीं, 9 साल में खत्म कर दिया, देश पीछे चला। कांग्रेस जब था 4 रुपया दिन काम कर रहा था, मैं 4 रुपया दिन, 4 रुपया से मैं क्या कर सकता था? अभी कांग्रेस नहीं है बाद में, अभी टीएम भैया मोदी जी आया, मोदी जी आके क्या गलती तो किसी के साथ नहीं किया, गलती कर रहा है आम आदमी, धोखा दे रहा है मोदी को।